व्यूअर्स, एआरवाई डिजिटल पर हब्स की जगह नया ड्रामा शुरू हुआ है जिसका नाम है तेरे बिना मैं नहीं। इस ड्रामे की पहली एपिसोड ही धांसू थी धांसू, यानी कि निहायत ही बॉम्बास्टिक। आए आपको बताते हैं क्या होगा तेरे बिना मैं नहीं की दूसरी किस्त में। तो जनाब होगा ये आपको तो पता ही है कि नूरुल ऐन मुर्तजा को साफ कह चुकी है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती और अभी अपना करियर बनाना चाहती हूँ। इस पर मुर्तजा इसे कह देगा कि शादी के बाद तुम करती रहो जॉब, बनाओ अपना करियर, पर वो नहीं मानेगी शादी पर। वो यही समझेगी कि शादी के बाद उसके करियर की ग्रोथ रुक जाएगी और मुर्तजा इसके अखराजात पूरे नहीं कर सकता क्योंकि इसकी बहन और भांजे की जिम्मेदारी भी इसी पर है। फिर नूर अपनी भाभी को बोलेगी कि हाँ हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, अब हम और तो किसी के डिसीजंस पर तो नहीं चल सकते, मैं अपनी जिंदगी को महरूमियों के साथ गुजारना नहीं चाहती भाभी। रहा मुर्तजा तो वो नूर को समझा कर तंग आ जाएगा मगर वो नहीं मानेगी, मगर इसे ये ताने मारेगी कि इसकी आमदन अभी कम है, 1.5-2 लाख ना काफी है उसके लिए। इस पर वो इसे साफ कह देगा कि तुमने मुझे मेरी औकात बताई है नूरुलैन। और फिर मुर्तजा की माँ जाएगी नूर के घर, इसके सामने भी नूर यही राग अलापेगी। वो कहेगी कि इन दोनों की शादी का ये वक्त मुनासिब नहीं, अभी कुछ साल ठहर जाए। इस पर उसकी माँ बोलेगी कि मुर्तजा अभी इतना गया गुजरा और बेवकूफ़ नहीं है जिसे तुम बताओगी कि कब शादी का वक्त मुनासिब है और कब नहीं, और वो इस रिश्ते से इनकार कर देगी। इस पॉइंट पर नूर कहेगी कि फुफो मुर्तजा और मैं एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो तो मेरे अलावा किसी और की तरफ देख भी नहीं सकता। मगर मुर्तजा की माँ भी पक्का फैसला करके आई होगी, वो नूर के भाई और भाभी की मौजूदगी में इसे फिर साफ साफ अल्फाज में कह देगी कि मेरी तरफ से और मुर्तजा की तरफ से खत्म है ये रिश्ता, और फिर वहां से चली जाएगी और इसके बाद जाएगी तहनियत के घर। वो तहनियत की माँ को बोलेगी कि तहनियत तो है ही इतनी प्यारी, मिलनसार, खुश अहलाक, सच बताओ तो उसे देखकर दिल ठंडा होता है मेरा। इस पर उसकी माँ कहेगी हमें उसके लिए भी कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, और वहां पर मुर्तजा की माँ हाथ मांग लेगी तहनियत का। अब होगा कुछ यूं कि ये बात हैरान बल्कि परेशान कर देगी तहनियत और उसकी तमाम फैमिली को, क्योंकि सबको तो यही पता है ना कि मुर्तजा और नूर की शादी होनी है, मगर यही बात तहनियत की माँ मुर्तजा की माँ को कहेगी। इस पर वो इसे सारी कहानी बताएगी। खैर तहनियत की माँ सोचने के लिए कुछ वक्त लेगी और फिर वो अपने शोहर या किसी और को बोलेगी कि इस लड़की यानी नूर के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि इसे मुर्तजा जैसे लड़के का रिश्ता मिल गया। खैर फिर वो हाँ कर देगी मुर्तजा और अपनी बेटी तहनियत के रिश्ते के लिए। रही तहनियत तो वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होगी मगर अकड़ में आकर इसे खुद मनाएगी मुर्तजा से शादी के लिए नूरुल ऐन। वो इन दोनों की शादी में भी आगे आगे होगी और फिर शादी के बाद भी चैन से नहीं बैठेगी, वो मुर्तजा के इंतहाई क्लोज आती रहेगी, वो इसे अपने प्यार की आग से जलाना चाहेगी मगर अपना एटीट्यूड खत्म नहीं होने देगी। यूं वो तहनियत का घर खराब करने की पूरी पूरी कोशिश करेगी और इस तरह चलेगी तेरे बिना मैं नहीं की कहानी। इसका मतलब ये हुआ कि इस ड्रामे नूरुल ऐन का करेक्टर तकरीबन हब्स की सोहा जैसा ही है। आपको याद होगा कि हब्स में सोहा पहले अपनी पढ़ाई वगैरह की वजह से अपने मंगेतर बासित को छोड़कर मुल्क से बाहर चली जाती है, फिर वो कर लेता है आयशा से शादी और जब सोहा पाकिस्तान वापस आती है तो इससे ये बर्दाश्त नहीं होता कि बासित आयशा से शादी कर चुका है। वो बासित के जानबूझकर इंतहाई क्लोज होती रहती है और आयशा का घर तुड़वाने की कोशिश करती है और फिर तेरे बिना मैं नहीं में तकरीबन यही सब कुछ करेगी नूर, मगर जरा मुख्तलिफ तरीके से। तो जनाब क्या आपके ख्याल में भी ऐसा ही होगा? कमेंट करके बताएं और हाँ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।